बुलडोजर, बीजेपी और क्राइम, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो इन दिनों देश में हर कहीं सुनाई दे रहे हैं और अब बॉलीवुड स्टार्स भी इनसे अछूते नहीं है और वे भी बुलडोजर राजस्थान में लाने की बात कर रहे हैं। ऐसा ही इशारा अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी किया है। दरअसल गुरुवार को कंगना जयपुर पहुंची थी और उन्होंने ये इशारा राजमंदिर में अपनी मूवी धाकड़ के प्रमोशन और गाना लॉन्चिंग के दौरान किया। कंगना के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि वो अपने बेबाक अंदाज और विवादित बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। किसी पर भी कुछ भी बात कहनी हो, कंगना कभी पीछे नहीं हटती, फिर चाहे बात बॉलीवुड की हो, किसी एक्टर और एक्ट्रेस की हो या फिर बात राजनीति से जुड़ी हो। अब सियासत है भी तो मौका परस्ती का खेल, जब भी मौका मिले बस सामने वाले पर वार कर दो, बयानों की बौछार कर दो और कंगना ने भी कुछ ऐसा ही किया, मौका मिला और गहलोत सरकार को लपेट लिया। अब पहले तो आप खुद सुनिए कि कंगना ने क्या कहा। और जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में अगर दंगे चल रहे हैं तो यहाँ पे ऐसी सरकार लाइए जो कंट्रोल करे। जैसा आपने सुना, कंगना यहाँ राजस्थान में हो रहे दंगों पर बात कर रही है और कह रही है कि यूपी से बुलडोजर लाकर राजस्थान में चलवा देते हैं। अब बात जब राजस्थान की हो रही है तो राजस्थान के मौजूदा हालात भी किसी से छिपे नहीं है। प्रदेश में इन दिनों हर तरफ तनाव का माहौल है, कहीं मंदिर तोड़ने पर विवाद तो कहीं सांप्रदायिक दंगे। अब आप जोधपुर हिंसा और करौली हिंसा को ही देख लीजिए, इन मुद्दों पर राजनीति भी काफी गरमाई हुई है। वहीं विपक्ष सत्ताधारी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है और जगह जगह इन्हें मामलों को लेकर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जो राज्य सरकार को बदलने तक की बात भी कह रहे हैं। कंगना की इस बात पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है, कोई तीखी प्रतिक्रिया कर रहा है तो कोई सपोर्ट में खड़ा है, लेकिन अब लगता है कि आने वाले वक्त में कंगना के इस बयान पर सियासी जंग छिड़ सकती है। अब जनाब ये तो सियासत है और आरोप प्रत्यारोप ही सियासत का दस्तूर भी है। बहरहाल देखना यह है कि कंगना के इस बयान के बाद राजस्थान की सियासत में क्या रंग दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।